इस वीडियो में हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम का, जिसमें हम लोगों के पास जो लोडिंग है वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग है। मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी अलग है, इस एंड पर इंटेंसिटी अलग है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी ये राइट एंड पर है W। तो सबसे पहले हम लोग इसके यहाँ रिएक्शंस निकाल लेते हैं, इसके बाद हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। रिएक्शंस निकालने के लिए, जैसे ये हमारी बीम है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल लोड निकालेंगे। तो टोटल लोड निकालेंगे और वो एक्ट कहाँ करेगा ये हम लोग देखेंगे। तो टोटल लोड तो हमारा बहुत ही इजीली आ जाएगा। टोटल लोड ये हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस हमारा एल है, हाइट हमारा ये मैक्सिमम इंटेंसिटी डब्ल्यू। तो टोटल लोड हमारा हो गया डब्ल्यू एल बाई टू। अब ये जो हमारी बीम है, ये हमारा ये हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर हमारा रोलर सपोर्ट है। ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई है ही नहीं, ये ज़ीरो हो गया। वर्टिकल रिएक्शंस निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये डब्ल्यू एल बाई टू लग कहाँ रहा है। तो ट्रायंगुलर लोडिंग के केस में जो हमारा इंटेंसिटी जहाँ पे मैक्सिमम होती है, उस एंड से एल बाई थ्री डिस्टेंस पे ये हमारा एक्ट होता है। यानी ये अगर यहाँ एक्ट हो रहा है डब्ल्यू एल बाई टू, तो ये डिस्टेंस हमारी है एल बाई थ्री। तो ये बची हुई डिस्टेंस ये हमारी कितनी हो गई, ये वाली टू एल बाई थ्री, ये डब्ल्यू एल बाई टू हमारी लोडिंग है। तो अब रिएक्शंस हम लोग कैसे निकालेंगे इस केस में, अब जब हमारा इक्विवेलेंट लोडिंग कैसी हो गई, डब्ल्यू एल बाई टू, ये डिस्टेंस है टू एल बाई थ्री, ये डिस्टेंस है एल बाई थ्री, टोटल डिस्टेंस हमारी एल है। तो ये जो रिएक्शंस निकलेंगे, इसको अगर आर ए नाम दे देते हैं, इसको आर बी। तो आर ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोड है डब्ल्यू एल बाई टू, ये है इक्विवेलेंट लोड, इंटू दूर वाली डिस्टेंस एल बाई थ्री डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से आर ए मिल गया डब्ल्यू एल बाई सिक्स। आर बी के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़, डब्ल्यू एल बाई टू हमारा इक्विवेलेंट लोड हो गया। अब आर बी के लिए दूर वाली डिस्टेंस है टू एल बाई थ्री अपॉन एल, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये हो गया डब्ल्यू एल बाई थ्री। ये आर ए और आर बी की वैल्यूज आ गई हमारा। अब यहाँ से हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ये है हमारी ओरिजिनल सिंपली सपोर्टेड बीम। अब यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे रिएक्शंस लगा देते हैं। ये आया था डब्ल्यू एल बाई सिक्स, ये आया है डब्ल्यू एल बाई थ्री। अब शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले शियर फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब शियर फोर्स की इक्वेशन हम लोग एट अ डिस्टेंस एक्स लिखते हैं। यहाँ पर जैसे ये डिस्टेंस एक्स है हमारी, यहाँ पर हमारा लोड क्या होगा उसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो एट अ डिस्टेंस एक्स हमारा लोड है, उसे हम लोग डब्ल्यू एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डब्ल्यू एक्स हो गया एट अ डिस्टेंस एक्स। ट्रायंगुलर लॉ से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पर इंटेंसिटी थी डब्ल्यू, तो ये इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई एल। तो डब्ल्यू एक्स जो हमारा लोडिंग है वो एट अ डिस्टेंस एक्स, वो क्या मिल गया, डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल। अब शियर फोर्स एट अ डिस्टेंस एक्स की हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। शियर फोर्स एट अ डिस्टेंस एक्स, तो सबसे पहले डब्ल्यू एल बाई सिक्स हमारा ऊपर है पॉजिटिव। अब इसके बाद एट अ डिस्टेंस एक्स ये नेगेटिव डायरेक्शन में है माइनस। यहाँ पे वही हम लोग ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे लोड निकालने के लिए। तो हाफ, फिर ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा लोड है डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू ये बेस एक्स। तो ये हो गई शियर फोर्स की इक्वेशन। अब शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए डब्ल्यू एल बाई सिक्स तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ ऊपर कर देते हैं, और डब्ल्यू एल बाई थ्री सीधे सीधे हम लोग इसे नीचे कर देते हैं। अब हम लोग के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो क्या है कि डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया हुआ है। अब हम इंटेंसिटी, लोडिंग इंटेंसिटी डायग्राम से ही हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बना देंगे। कैसे, एट एंड, जैसे ये एंड ए है, यहाँ पर इंटेंसिटी हमारी ज़ीरो है, लोडिंग इंटेंसिटी ज़ीरो है, तो हमारी शियर फोर्स यहाँ से चालू होगी। लेकिन लोडिंग इंटेंसिटी जब ज़ीरो है, तो ये क्या बता रही है, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, यानी शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप भी ज़ीरो होगा। ये इस तरीके से यहाँ ज़ीरो होगा स्लोप, जिस ऐसे चालू होगा, और लोडिंग इंटेंसिटी यहाँ लगातार बढ़ती चली जा रही है।
यानी लोडिंग इंटेंसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, यानी शियर फोर्स का जो स्लोप होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वी, यानी स्लोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा किस केस में हो सकता है अगर हम बनाएं इस एंड से यहाँ तक पहुँचने में? स्टार्ट करेंगे जीरो स्लोप से और स्लोप लगातार बढ़ती चली जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से होगी। और ये सीधी लाइन नहीं है, ये कर्व है, ये कुछ और ऐसा कर सकते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये घुमावदार है। और ये लोडिंग इंटेंसिटी डायग्राम हमारा 1 डिग्री का है, ये लीनियर है स्ट्रेट लाइन। तो ये जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम बनेगा ये 2 डिग्री का होगा, जिसे हम लोग स्क्वायर पैराबोला भी कह देंगे, स्क्वायर पैराबोला का है। अब ये तो हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए पहले हम लोग क्या देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पर होगा। तो मैक्सिमम हमारा बेंडिंग मोमेंट वहाँ पर होगा जहाँ हमारी शेयर फोर्स जीरो होगी, यहाँ या जहाँ पर साइन चेंज करेगी। तो इस डिस्टेंस पर हमारी शेयर फोर्स जीरो हो रही है। तो किस डिस्टेंस पर है वो यहीं से निकाल लेते हैं, एट अ डिस्टेंस एक्स। तो इस शेयर फोर्स को हम लोग इक्वल टू जीरो इक्वेट कर देते हैं, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू क्या है इस पूरी इक्वेशन को, यानी डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस इतना पोर्शन इज इक्वल टू जीरो। तो ये पोर्शन उधर जाके इक्वल टू में हो जाएगा 1/2 डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई एल। डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री। तो ये हमें डिस्टेंस मिल गई जहाँ पर हमारी शियर फोर्स जीरो हो रही है। तो अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं और बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट अ डिस्टेंस एक्स ये आएगा। तो शियर फोर्स यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई सिक्स था, इंटू एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई सिक्स इंटू एक्स। फिर माइनस ये हमारा लोड है, इंटू हम लोग डिस्टेंस करेंगे। तो लोड है 1/2 इंटू डब्ल्यू एक्स बाई एल, डब्ल्यू इंटू एक्स बाई एल इंटू एक्स। तो ये हमारा है टोटल लोड। और ट्रेंगुलर लोडिंग के केस में एट अ डिस्टेंस एक्स देख रहे हैं, तो ये इस केस में जैसे ये है, ये डिस्टेंस अगर एक्स है तो इक्विवेलेंट लोड है ये एक्स बाई थ्री। ये जो इधर की डिस्टेंस होगी एक्स बाई थ्री, इधर की होगी 2x/3, और मोमेंट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स बाई थ्री ये वाली। तो ये इसलिए इसमें एक्स बाई थ्री का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है बेंडिंग मोमेंट की, डब्ल्यू एल बाई सिक्स इंटू एक्स माइनस इतना पोर्शन। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम के लिए डब्ल्यू एल बाई सिक्स इंटू एक्स है एल बाई रूट थ्री माइनस 1/2 डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स है एल बाई रूट थ्री इंटू फिर से एल बाई रूट थ्री, और ये एक्स बाई थ्री है तो 1/3 ये, और एक्स है एल बाई रूट थ्री। तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स रूट थ्री माइनस ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई थ्री टू ज़ा सिक्स हो जाएगा, और रूट थ्री एक और रूट थ्री हो जाएगा, और ये रूट थ्री और 1/3 भी एक्स्ट्रा आएगा। ये थ्री यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है सिक्स के साथ। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स रूट थ्री हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमें क्या बचेगा 1 माइनस 1/√3, 1 माइनस 1/3 सॉरी। तो ये हो जाएगा 2/3। अल्टीमेटली हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 9√3। तो ये है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। मान लेते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर होती है कुछ, कितनी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 9√3। अब इसको बनाने के लिए सिंपली ये हमारा थ्री थर्ड डिग्री का क्यूबिक पैराबोला हो जाएगा, ये स्क्वायर पैराबोला था हमारा ये शियर फोर्स डायग्राम के केस में इसमें हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, ये बेंडिंग मोमेंट के केस में। अब शियर फोर्स हमारी यहाँ से घटती जा रही है, तो
तो शियर फोर्स घटती जा रही है तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप घटता जाएगा, यानी यहाँ कुछ स्लोप होगा और घट के यहाँ शियर फोर्स ज़ीरो है तो स्लोप ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा होगा। और अब निगेटिव डायरेक्शन में शियर फोर्स बढ़ती जा रही है, तो शियर फोर्स बढ़ती जा रही है, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप बढ़ता जाएगा, ये कर्व इस तरीके से घूम जाएगा, ये ऊपर पॉजिटिव है। तो ये था हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसके केस में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारी जो लोडिंग है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब इस केस में ये वही डब्ल्यू एल, तो हमारे जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स, ये आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई थ्री। तो इस केस में हमारे कैसे बनेंगे ये भी बहुत ईजी है। ये जैसे हमारा ऊपर हो गया, ये नीचे, अब हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं कि जो हमारा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू है, तो यहाँ पे लोडिंग इंटेंसिटी ज़ीरो है तो शियर फोर्स का स्लोप ज़ीरो होगा, और इधर से लोडिंग इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है यानी शियर फोर्स का स्लोप बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा कुछ, ये थोड़ा ज़्यादा इधर बढ़ गया है, ये पॉइंट इधर आएगा, मैंने कर्व बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा खींच दिया, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ये ऐसा, ये पॉइंट थोड़ा इधर होगा, ये थोड़ा ज़्यादा इधर हो गया। और बेंडिंग मोमेंट तो उसी तरीके से बन जाएगा। अब इस इधर से हम लोग नॉर्मली सारी एक्स की डिस्टेंस लेंगे, तो ये शियर फोर्स का डायग्राम इस केस में था, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू वही रहेगी हमारी। तो ये सेकेंड केस में था, थोड़ा सा अलग है। तो ये था हमारा वीडियो किसका, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग के केस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।